हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर बैंक की फ्रेंड्स, जिसमें हम बात करेंगे एमआई के 20,000 एमएच 18 वाट फास्ट चार्जिंग पावर बैंक की। दोस्तों, मैं गांव में रहता हूं और यहां अक्सर लाइट गोल हो जाती है और अभी तो दिन में यहां पर सिर्फ 4 से 8 घंटे लाइट हो रही है, जिससे कि मोबाइल भी डिस्चार्ज हो रहा है और काफ़ी सारी मेरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कार्य नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसी के चलते मैंने ये पावर बैंक परचेस किया है और लगभग 4-5 दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहा है और इससे लगभग 4 से 5 बार मेरा मोबाइल चार्ज हो जाता है। और फ्रेंड्स, अभी मैंने एक नया मोबाइल भी लिया है तो उसके लिए भी मैंने इसको परचेस किया है, क्योंकि जॉब में रहता हूँ तो ये अक्सर डिस्चार्जिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने इसे परचेस किया है। तो अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं इसको रेटिंग करूँगा, इसकी बैटरी के बारे में बताऊँगा, इसके इनपुट आउटपुट के बारे में आपको बताऊँगा और कैसे ये वर्क करता है, कितना यूज़फुल है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करें सबसे पहले आप इसको कैसे मंगा सकते हैं, तो आप इसे अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं। मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेस किया है और अभी ये बता रहा है फ्रेंड्स, अभी ये बता रहा है 1599 रुपीज़ का, लेकिन फ्रेंड्स जब मैंने इसे परचेस किया था तो ये मुझे पड़ा था 1400 रुपीज़ का, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने प्राइम मेंबरशिप ली थी और प्राइम डे पर इसे बुक किया था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ पड़ गया था। और फ्रेंड्स, अगर आप अभी परचेस करना चाहते हैं तो आपको ये पड़ेगा 1600 रुपीज़ में। और फ्रेंड्स, 1600 रुपीज़ में भी ये कहीं से घाटा नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छा, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन वाला है। तो गाइस, ये डिलीवर हो गया है मेरे यहाँ 16 अगस्त को। अब मैं इसे अनबॉक्स करके आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसे अनबॉक्स करते सबसे पहले आपको इसमें कट लगाना है, क्योंकि बीच में इसके वो होता है बिल वगैरह, तो वो कटे ना, इसलिए आपको इसको साइड से इरेज कर देना है। अब देखते हैं इसमें क्या आया, ये उसका बिल आया पहले, तो यहाँ पर साइड में रखते हैं इसको। बिल्कुल साइड रखने के बाद आपको मिलेगा इसमें। फ्रेंड्स, मैंने दो चीज़ ऑर्डर की थी, एक M21 का किया था ग्लास ऑर्डर और उसके साथ एक पावर बैंक, तो ये पावर बैंक तो निकल गया है और अब ये मेरा एक ग्लास, तो इसको रखते हैं साइड पर। दोस्तों, पावर बैंक हमने जो निकाला है इसके अंदर से, अब हम उसे अनबॉक्स करते हैं। जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन चीज़ परचेस करें तो उसे कैमरे के सामने उसका आप अनबॉक्स करें, क्योंकि कभी कभी प्रोडक्ट डिफेक्टेड भी निकलता है तो आपको रिप्लेस करने में काफ़ी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिख रहा है उसकी पूरी डिटेल दी है। 20,000 mAh का रेडमी पावरफुल पावर बैंक आपको दिखाई दे रहा है, मेड इन इंडिया का टैग भी दिख रहा है, यहाँ से आप स्केच भी इसको कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर क्वांटिटी आपको दिख रही है 1 यूनिट, और इसमें आपको मिलेगा एक USB केबल और एक आपको मिलेगा यूज़र मेन्यू और एक पावर बैंक। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको मिलने वाला है। तो अब इसे जल्दी से हम अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले इसे आप अनबॉक्स कर सकते हैं, आपके पास कटर हो। मैं थोड़ा अकेला था तो मैंने इसको अकेले ही अनबॉक्स किया है, और कैमरे भी पकड़ा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। आप अपने फ्रेंड को बुला सकते हैं कैमरे के लिए। ये कट चुका है, देन आपको इसको निकालना है। आराम से आप निकालें, कोई जल्दी नहीं है। आप इसको ओपन करेंगे तो आपको एक यूनिट दिखेगी, और ये जो आपको साइड में दिख रही है ये इसकी केबल है। तो आपको आराम से इसको अनबॉक्स करना है। ये आ गया आपका पावर बैंक बाहर, आपकी केबल। अब बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। देन अब हम ये आपको केबल दिखा रहा हूँ। केबल कुछ खास नहीं दिख रही फ्रेंड्स, नॉर्मल सी दिख रही, कुछ फास्ट चार्जिंग वाली तो लग नहीं रही है, वो भी चार्ज करके ही पता चलेगा कितनी पावरफुल होने वाली। और ये सिंपल है, कोई सी टाइप की केबल आपको इसमें नहीं मिलेगी। बात कर लें इसके ओरिजिनल यूनिट की, जिसका हम इंतज़ार है उसे हम ओपन कर रहे हैं। आप इजीली उसका कवर निकाल दीजिए, देन आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। ये आ गया हमारा फ्रेंड्स, ये है हमारा पावरफुल 20,000 mAh का Redmi MI का पावर बैंक, जो अभी हाल ही में डिलीवर्ड हुआ है डिलीवर बॉय के द्वारा। हमने इसे अनबॉक्स कर लिया है। यहाँ इसमें किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है, इसमें केबल आई है, यूज़र मैनुअल आया है और एक ही यूनिट आया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अब हम इसका देखते हैं कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, दो USB पिन दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब कि आप इसमें दो मोबाइल एक साथ चार्ज कर सकते हैं। और साथ ही आपको दो इसमें पिन भी दिख रही हैं, जिसमें एक है सी टाइप की और एक है आपकी नॉर्मल चार्जिंग डिवाइस, एक चार्जिंग केबल के लिए। तो फ्रेंड्स, दोनों ही यूज़फुल हैं, आपके पास जो भी चार्जर हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही बात करें तो इसके साथ आपको मिली है एक ये केबल, जो कि नॉर्मल है, सी टाइप की केबल आपको इसमें नहीं मिलेगी। अगर आपके पास चार्जर होगा तभी आप उसका यूज़ ले सकते हैं। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग ये आपको सपोर्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसको कैसे हम यूज़ करें। तो यहाँ पर इसके साइड में दी है एक बटन, यहाँ पर दिया है सामने Redmi का नाम, इसका ब्रांड नेम हुआ है, और बाकी बैक में कुछ जानकारी दी है। 20,000 mAh का आपको पावर बैंक है और इसकी कंपनी का नाम, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल।
और फ्रेंड्स यहाँ पर अपसाइड यहाँ पर दी है दो यूएसबी पोर्ट और दो इनपुट और दो आउटपुट पोर्ट। अब इसको ऑन करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये चार जो है लाइट आपको ब्लिंक करते हुए दिखाई देंगे, इसका मतलब अभी आपका फुल चार्ज है। अगर फ्रेंड्स आपका थोड़ा बहुत कम चार्ज रहता है तो ये उस हिसाब से जलती है, जैसे अभी फुल चार्ज है तो चारों लाइट जल रही हैं, अगर थोड़ा कम रहेगा तो तीन लाइट जलेंगी, दो लाइट, इस टाइप से उसकी चार्जिंग ये शो करेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया, अब हम एक लाइव डेमो देखते हैं कि कैसे हम अपने मोबाइल से चार्ज कर सकते हैं। तो इसी की केबल लेते हैं हम, हमने इसमें केबल लगा दी है फ्रेंड्स। अब एक मोबाइल और देख लेते हैं हम, इसमें ये लाइव डेमो हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा एक पुराना सेट लावा का, इसको हम देख लेते हैं। इसमें ये हमने एजेक्ट कर दी और ये इसको हमको ऑन करना है सिंपली, यहाँ से स्विच एक बार ऑन कर देंगे। दोस्तों ये हमने फ़ोन लगा दिया, ये हमारा चालू हो गया, बटन भी हमने प्रेस कर दी। देन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ ऊपर ये चार्जिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। फ्रेंड देखिए यहाँ पर ये चार्जिंग दिखाई दे रही है, ये बिजली का निशान आ गया, मतलब ये चार्ज हो रहा है। तो ओवरऑल हमारा ये वर्क कर रहा है। और फ्रेंड्स इसकी स्पीड मैंने देखी, अभी यूज़ कर रहा हूँ दो तीन दिन से मैं इसका, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो फ्रेंड्स अगर आपका जो मोबाइल है 2000 mAh का है, 3000 mAh बैटरी का है अगर आपके मोबाइल की बैटरी, तो ये उसको लगभग एक से आधा से एक घंटे में इसको चार्ज कर देगा। साथ ही अगर आपका 5000-6000 mAh बैटरी वाला मोबाइल आपके पास, जैसे सैमसंग M21 मैंने परचेज़ किया है, तो उसको लगभग ये 2 से 2.5 घंटे में पूरा फुली चार्ज कर देता है, जो कि काफ़ी अच्छा है 6000 mAh के लिए, उसी के लिए मैंने इसे परचेज़ किया है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल ये वैल्यू फॉर मनी है। अब बात कर लें इसकी चार्जिंग की, तो फ्रेंड्स मेरे पास टाइप सी भी चार्जिंग है और नॉर्मल जो चार्जर रहता है वो चार्जर भी, तो दोनों से मैं आपको इसको चार्ज करके बता दूंगा। फ्रेंड्स ये टाइप सी वाला चार्जर है, इसकी केबल थोड़ी छोटी है, इसको हम लगा के देखते हैं। इस पर आप लगाइए, स्विच ऑन कर दीजिए, देन काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाता है। और मैंने एक बार इसको पूरा 50% डिस्चार्ज करके एक बार इसको चार्ज भी किया था। फ्रेंड्स बात करें इसकी चार्जिंग की, तो काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाता है। जब ये आया था 50% था 2 दिन पहले लगभग, और मैंने इसको चार्ज किया था तो लगभग ये 1.5 से 2 घंटे में पूरा चार्ज हो गया था। तो मतलब फ्रेंड्स 20000 mAh की बैटरी को अगर आप चार्ज भी करेंगे तो आपको लगभग नॉर्मल फ़ोन पर 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। और सेम इसमें कंडीशन है, क्योंकि बैटरी है ये भी फ्रेंड्स अच्छा है काफ़ी गांव के लिए, या जहां पर लाइट गोल रहती ज़्यादा, कोई ऑफिस वर्क किसी का हैवी रहता है ज़्यादा, अगर उसका जर्नी वाला वर्क है तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। इससे आप अपनी 6000 mAh की बैटरी को लगभग 3 बार चार्ज इजली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया, अब आप भी इसका एक बार ट्रायल ले सकते हैं। इसमें आपको 6 महीने की ब्रांड वारंटी भी मिली है, अगर कुछ आपका ये डिस्टर्ब करता है, प्रॉब्लम करता है चार्जिंग में तो, या हीटिंग करता है तो आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये थी अनबॉक्सिंग 20000 mAh पावरफुल पावर बैंक की Redmi MI की। और फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा है, इसमें हमने जाना कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, किसी ऑफ़र में अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे और बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स इसमें डबल इनपुट है, डुअल आउटपुट है, आपको काफ़ी अच्छा एडवांस प्रोटेक्शन इसमें मिलने वाला है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कैसे लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।